हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एम करियर इंस्टीट्यूट नीट 2024 के लिए एक नया बैच लॉन्च कर चुका है, जो है सारथी बैच। और इस बैच में आपके सेपरेट अलग अलग टीचर अलग अलग सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। तो मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे बेटा, जो कि आपके नीट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके नीट एग्ज़ाम में मिनिमम 6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, मतलब ये आपके नीट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो चलिए हम देखेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड लगेंगे पूरा का पूरा पैटर्न, आपको बहुत मजा आएगा। और याद रखिएगा, सिस्टमेटिक नोट्स बनाइए इस चैप्टर, इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आपको यहीं से आ जाएंगे। तो आप सिस्टमेटिक, और चैनल में यदि आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे पढ़ने के बाद आप किसी भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। चलिए, तो जैसा कि हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कंटेंट कि हमारे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको लास्ट टॉपिक तक पढ़ना क्या क्या है। तो कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले अपन देखो द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस चैप्टर में एनसीईआरटी में सबसे पहले दिया हुआ है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे बेटा द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेकेंड नंबर पे इसका हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद देखेंगे अपन गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में अपन ने स्पर्म और एग के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है विद स्ट्रक्चर, क्लियर, ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक नया टॉपिक आएगा यहाँ पे मैंचुरेशन साइकिल, तो अपन उसके बाद देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसीज और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, प्रेगनेंसीज एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। लास्ट टॉपिक हमारा होगा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। जैसे ही ये सारे के सारे अपने टॉपिक ख़त्म होंगे तो हम इसके करेंगे PYQ के सारे क्वेश्चंस। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट अदर क्वेश्चन भी हम लोग आप लोगों के साथ यहीं पे डिस्कस करेंगे, क्लियर। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की कुछ बेसिक चीज़ें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सबसे पहले जैसा कि अपना टॉपिक है बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अपना टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। लेकिन ह्यूमन रिप्रोडक्शन जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे बेटा रिप्रोडक्शन। देखिए, यदि हम बात करें रिप्रोडक्शन, तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे पेरेंट्स के पास एक ऐसी एबिलिटीज़ होती है कि अपने ही समान न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाए, मतलब कि द एबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। किसी भी पेरेंट्स के पास ऐसी एबिलिटी हो कि वो नई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके, मतलब कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जब अपने ही समान न्यू ऑफस्प्रिंग, नया बच्चा पैदा करे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बेसिक डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन था दो तरह का था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि यह पहले चैप्टर में पढ़ चुके, फिर भी मैं यहाँ पे रिवीजन करना जरूरी समझूंगा। तो यदि हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जहाँ पे सिंगल पेरेंट्स होता है बेटा, इन्वॉल्व इन सिंगल पेरेंट्स प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, जहाँ पे एक सिंगल पेरेंट्स न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मान लीजिए कि एक साथ दो पेरेंट्स, दूल्हा और दुल्हन, कुत्ता और फीमेल कुत्ता, गाय और बैल, इस तरह से जब दो पेरेंट्स मिलके एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसको बोलते हैं यहाँ पे रोल इन टू पेरेंट्स। जब दो पेरेंट्स का रोल हो जाता है तो वो हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो में होता है, एक प्लांट्स एंड एक एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दो में होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट है, आप इसको डिस्कस करोगे कहाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, वहाँ पे आप डिस्कस करोगे। और एनिमल जो होता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, और एनिमल का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है अपन वो यहाँ डिस्कस करेंगे, क्लियर। चलिए, यदि हम बात करें
यदि हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जो एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक्चुअल में होता क्या है, तो जैसे यहाँ पे आप समझ रहे होंगे ये सुंदर कन्या है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये एक सुंदर कन्या है जिसका नाम है रिमझिम। ये जो हैं तो इनके वो हैं जिनका नाम है टुक टुक, समझ गए। तो ये हो गई रिमझिम, ये हो गया टुक टुक, मतलब ये हुआ फीमेल, मतलब ये हुई फीमेल और ये हुआ मेल। आप समझदार हो, आप समझ गए रिमझिम और टुक टुक। यदि हम बात करें रिमझिम, तो यदि रिमझिम की एडल्ट स्टेज, मतलब रिमझिम का फर्स्ट मेंचुरेशन साइकिल, मतलब कि रिमझिम की यदि मीन यानी कि रिमझिम की प्यूबर्टी या मीनार्च एज स्टार्ट हो चुकी है, तो रिमझिम में क्या होगा बेटा, रिमझिम में स्टार्ट हो जाएगा क्या, रिमझिम में स्टार्ट हो जाएगा ओजेनेसिस, और यहाँ पे बनने लगेंगे ओबम, मतलब इन रिमझिम में क्या बनेगा, ओबम बाई ओजेनेसिस। सेम एज इट इज यदि हम रिमझिम के उनके यानी कि टुक टुक की बात करें, तो टुक टुक जो कि बनाएगा स्पर्म, तो स्पर्म इसके अंदर एक प्रोसेस होगी स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस से बनेगा क्या, स्पर्म, और यहाँ पे बना क्या, ओबम। तो रिमझिम और टुक टुक, रिमझिम और टुक टुक के जो गैमिट्स हैं, मतलब ओबम और स्पर्म, इन दोनों के बीच में जब फ्यूजन होगा, जब दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाके बनेगा एम्ब्रियो, जिसको हम बोल देंगे जाइगोट। यहाँ पे बनेगा जाइगोट, और जाइगोट डेवलप होके बनाएगा क्या, एम्ब्रियो। तो इस तरह की प्रोसेस में आप देख रहे हैं इन्वॉल्व इन टू पेरेंट्स, एक रिमझिम एक टुक टुक। जब ये दो पेरेंट्स, मतलब एक फीमेल एक मेल, दोनों मिलके और दोनों में गैमिट्स फॉर्म होता है, और गैमिट्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है और न्यू एम्ब्रियो या नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हमारे चैप्टर में है ह्यूमन का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए मैंने यहाँ पर टुक टुक और रिमझिम कुछ इस तरह से लिया गया है, इसके आगे और अपन डिस्कस करते चलेंगे। चलिए, तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, वही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि आपने सुना होगा कई बार प्यूबर्टी, मतलब कि जब मेल और फीमेल में सेक्सुअल ऑर्गन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, मतलब कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल में ओजेनेसिस, मतलब जब सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप शुरू हो जाते हैं, तो उस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। जो कि यदि आप मेल पे बात करोगे, तो मेल में प्यूबर्टी एक एवरेज एज माना जाता है 14 to 16 years, मतलब 14 से 16 साल के बीच में जो मेल होता है उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, मतलब कि सेक्सुअल ऑर्गन में हेयर्स का आना, आवाज़ का भारी हो जाना, दाढ़ी मूछों का आना, इस तरह से जो बेसिक सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, इरेक्शन ऑफ पेनिस, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें सेकेंडरी जो सेक्सुअल ऑर्गन वाली चीज़ें होती हैं तो मेल में डेवलप हो जाती हैं, और उसका एज होता है 14 to 16 years। इसी तरह से यदि हम फीमेल में बात करें, तो फीमेल में 13 to 15 years, हम इसको यहाँ पे 12 to 14 years भी मान सकते हैं। तो फीमेल की जो प्यूबर्टी एज होती है वो होती है 12 से 14 साल या 13 से 15 साल, जिसमें फीमेल में फर्स्ट टाइम मेंचुरेशन साइकिल स्टार्ट होता है, और जिस दिन फर्स्ट टाइम मेंचुरेशन साइकिल स्टार्ट होता है उस डे को हम बोलते हैं मीनार्च, उस डे को हम क्या बोलते हैं, मीनार्च। मीनार्च मतलब फर्स्ट टाइम स्टार्ट इन मेंचुरेशन साइकिल। जैसे मेंचुरेशन साइकिल का फर्स्ट डे होता है, जैसे मेंचुरेशन साइकिल का स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं मीनार्च, और जिस दिन मेंचुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है उसको हम बोलते हैं मीनोपोज। जिस दिन मेंचुरेशन साइकिल स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं मीनोपोज। अप्रोक्स ये एज हम ले लेते हैं 13 years, और मीनोपोज की एज हम ले लेते हैं 50 years। क्लियर हुआ बेटा? मतलब यदि हम किसी फीमेल की बात करें, तो फीमेल में जो ओवुलेशन होता है, जो मेंचुरेशन साइकिल होता है, यदि हम यहाँ पे ओवुलेशन की भी बात करें, तो आपका ओवुलेशन
स्टार्ट होगा 13 ईयर में और ओवुलेशन बंद हो जाएगा कहाँ पे, और आपका जो ओवुलेशन है वो क्लोज हो जाएगा मीनोपोज की एज में। यानी कि यदि हम इसके बेसिक पे जाएं तो बेसिक इसका ये है कि कोई भी फीमेल 13 साल के बाद और 50 साल के पहले, मतलब इस टाइम इंटरवल में कोई भी फीमेल माँ बन सकती है, इससे पहले और इसके बाद कोई भी फीमेल माँ नहीं बन सकती। इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, अच्छे से याद रखिएगा। हालांकि बहुत आसान पॉइंट है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि जो मीनार्च के पहले और मीनोपोज के बाद कोई भी फीमेल माँ कभी भी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एग होते हैं डेवलप नहीं होते और यहाँ पे एग जो होते हैं ख़त्म हो चुके होते हैं। अब फर्टिलाइज और पार्चुरेशन के लिए, प्रेगनेंसीज के लिए फर्टिलाइजेशन ज़रूरी है, और फर्टिलाइजेशन के लिए मेल और फीमेल दोनों गैमिट्स होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे फीमेल गैमिट बन नहीं पाता और यहाँ फीमेल गैमिट ख़त्म हो जाता है। इसलिए ये जो एज होती है, यही एज होती है किसी भी फीमेल के माँ बनने की, प्रेगनेंसीज की यही एक एज होती है फर्टिलाइजेशन के। क्लियर? तो आप इसको भी यहाँ पर याद रखिएगा, प्यूबर्टी याद रखिएगा। मेल में इतना होता है, फीमेल में इतना होता है। फीमेल में एक टर्म होता है मीनार्च, वो ये होता है, और मीनोपोज ये होता है। इसके बाद भी यदि आपको इस चीज़ों में कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपके कमेंट्स का बकायदे सिस्टमेटिक तरीके से रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए मान लीजिए कि ये टुक टुक है और ये रिमझिम है। टुक टुक टकला है, मान लीजिए टुक टुक है और ये रिमझिम है। टुक टुक और रिमझिम के बीच में जो भी प्रोसेस हुई, आप समझदार हो, टुक टुक और ये रिमझिम है, बहुत समझदार हो तुम लोग। ये टुक टुक है, ये रिमझिम है, दोनों के बीच में नैनो से नैना मिले। नैनो से नैना मिलने के बाद उनके फैमिली मेंबर को पता चला, कॉलेज में गए, दोनों की नौकरी ली गई और दोनों को शादी के बंधन में बांध दिया गया। जैसे शादी के बंधन में बांधा, दोनों के बीच में जैसे ही शादी के बंधन में बंधे, दोनों से क्या हुए, वो तीसरे बनने की प्रोसेस को स्टार्ट करती है, जिसको हम बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे यहाँ पे थर्ड बनने की जो प्रोसेस स्टार्ट होगी, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, तो जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में होगा फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन होते ही इन दोनों के जो गैमिट्स हैं, यदि हम टुक टुक के गैमिट्स की बात करें तो टुक टुक का जो गैमिट है उसको हम बोलेंगे स्पर्म, और जो रिमझिम का गैमिट है, जो रिमझिम की गैमिट्स है उसको हम बोलेंगे एक। और जैसे ही दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा तो एक और स्पर्म दोनों आपस में फ्यूज होके एक बनाएंगे जाइगोट, जो कि डिप्लोंटिक होगा, और ये होगा जाइगोट। इसका मतलब ये हैप्लोंटिक रहा होगा और ये भी हैप्लोंटिक रहा होगा। एन और एन दोनों के बीच में जब फ्यूज़न होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो बनेगा 2N, जो कि होगा जाइगोट। अब ये जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, इस जाइगोट के डेवलप होने के लिए अप्रोक्स 9 मंथ का टाइम चाहिए होता है। हम यदि एक्यूरेट टाइम बोलें तो यहाँ पे लगता है 9 मंथ 7 डेज। 9 मंथ 7 डेज के इनिशियली कंडीशन में जब ये डेवलप हो रहे होते हैं, तो या तो यहाँ मेल बनेगा या तो यहाँ फीमेल बनेगा। जैसे मान लीजिए कि ये जो जाइगोट है 2N, यदि ये जाइगोट कैरी करता है एक्स और एक्स क्रोमोसोम, तो ये बनाएगा फीमेल। लेकिन यदि यही 2N कैरी करता है एक्स और वाई क्रोमोसोम, तो ये बनाएगा मेल। बट एक्स और वाई, एक्स और एक्स, मेल और फीमेल बनाने के बाद, मेल और एक्स और एक्स, एक्स और वाई, मेल और फीमेल बनाने की जो प्रोसेस होती है, एक्चुअल में डक्ट से स्टार्ट होती है। ये प्रोसेस एक डक्ट से स्टार्ट होती है, और ये जो डक्ट होती है तो किस तरह से डिवाइड होती है और क्या होती है, हम डक्ट के यदि हम डक्ट है भैया, ये एक डक्ट है, ये डक्ट दो तरह से डिफ्रेंशिएट होगी। यदि मान लीजिए कि एक्स और एक्स क्रोमोसोम है, तो ये डक्ट आगे जाके बनाएगी मुलेरियन डक्ट, जो कि आगे बनाएगा बेटा ओवरी,
और यदि ओवरी बना मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि ये आगे जाके क्या बनाएगी, फीमेल ऑफस्प्रिंग, क्या बनाएगी, फीमेल ऑफस्प्रिंग। लेकिन यदि यही डक्ट एक्स और बाई क्रोमोजोम है तो जो बाई क्रोमोजोम होता है वो बनाएगा वोल्फियन डक्ट, क्या बनाएगा, वोल्फियन डक्ट। और वोल्फियन आगे डेवलप होके बनाएगा बेटा टेस्टिस, और जो टेस्टिस बना इसका मतलब ये कंफर्म हो चुका है कि ये मेल है। तो इस तरह से इतना ही डीप में हम पढ़ते रहेंगे, ये सारे के सारे जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको आप नोट करिएगा, स्टार लगाइएगा और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिएगा, आपके कोई एक क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व होगा। और यदि आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना, जिससे आपको पता होना चाहिए, और शेयर करना जिससे आपके सारे दोस्तों तक ये पहुंच सके, क्योंकि सबको अच्छा सीखने का अधिकार है भारत देश में। चलिए चलिए उसी का यहीं पे एक डायग्रामेटिकली शो किया गया है, अपन इसको भी थोड़ा सा डायग्राम देख के अपने कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छा क्लियर करते हैं। तो जैसा कि यदि हम बात करें, देखिए ये मेल वाला पोर्शन है, तो यदि ये मेल वाला पोर्शन है तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि वोल्फियन डक्ट जो है, जो ये आपकी ब्लू वाली जो वोल्फियन डक्ट है, जो ये ब्लू वाली वोल्फियन डक्ट है, ये आगे जाके टेस्टिस बना रही है। ये देखिए ये दोनों क्या बन रही है, टेस्टिस। और ये देखिए टेस्टिस बना तो ये तो कंफर्म है कि ये क्या होगा, मेल। ये एपिडिडाइमिस वाला पार्ट है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन नहीं। एपिडिडाइमिस वॉज डिस्मिनिज, वॉज डिफरेंस और सेमाइनल वेसाइकिल अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यदि वहीं पे बेटा ये रेड वाली आप देख रहे हो, रेड वाली यदि मुलेरियन डक्ट है तो मुलेरियन डक्ट क्या बनाएगा, ओवरी। ये बना रहा है ओवरी, और यदि ओवरी बना तो ये बनेगा क्या, फीमेल। तो ये जो अपना एम्ब्रियो है, ये जो अपना एम्ब्रियो है एक्स, और जो एक्स वाई है मतलब एक्स वाई आपका वोल्फियन और एक्स एक्स आपका मुलेरियन डक्ट बनाएंगे। और वोल्फियन और मुलेरियन डक्ट ही डिस्कस करता है, वोल्फियन और मुलेरियन डक्ट ही सेलेक्ट करता है कि आपका मेल होगा कि फीमेल। फिर से याद रखिएगा, W मतलब वोल्फियन, M मतलब मुलेरियन, मुलेरियन मतलब मेल बट मेल नहीं फीमेल, याद रखिएगा, मुलेरियन मतलब मेल बट मेल नहीं फीमेल, M से मेल बट ऐसा नहीं है, M से जो मुलेरियन होता है वो फीमेल वाला पार्ट होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन इस ट्रिक को आप याद रखिएगा, जो नाम है वो नहीं होगा M से मुलेरियन, लेकिन मुलेरियन ना होके क्या होगा, वोल्फियन। ठीक है बेटा।